नमस्कार, नमस्कार। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जाडेजा प्रदीप सिंह है, गांव विसामन, तालुका पड़धरी, जिला राजकोट। अच्छा, गुजरात स्टेट। अच्छा, ये अभी मतलब अभी पौधा जो है आपका यहाँ पे कितना है टोटल सब? ये जो अभी जो फ्लावरिंग देख रहे हैं आप माल, वो 2000 पेड़ है मेरे। हाँ। और दूसरे छोटे वाले 2000 पेड़ है। अच्छा, टोटल 4000 पेड़ है पूरे। हाँ जी। अभी ये अपना कितना मतलब क्रॉप ले रहे? अभी ये चौथा क्रॉप चल रहा है इसमें, ये जो सेटिंग है ये चौथा क्रॉप है। ओके, तो अभी इसको फल आपने स्टार्ट कब किया है? अभी 2 महीने हो गए इसके फ्लावरिंग, वो इथरे लगाया था। हाँ। तब से आज तक के 2 दिन हो गए, 2 महीने 60 दिन। ओके ओके। अभी जो फल लगा है तो आपने गिना है क्या कितना फल लगा होगा? नहीं गिना तो नहीं, लेकिन 150 के प्लस ही, 150-200 के करीब करीब है सब सेटिंग है। और अभी भी फूल है और साथ में नए फूल भी निकल रहे हैं और मधुमक्खी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मुझे अभी ये बात बताइए, ये जो पूरा समझो आपने बगीचा यहाँ पे बनाए, तो इसको आपने ये साल में कुछ चेंजेस किया आप बता रहे हैं मुझे? चेंजेस में इस साल मैंने वो छाणिया भी नहीं डाला और बेसल डोज जो डालते हैं रेगुलर। हाँ। वो भी इस साल नहीं डाला है। एक बार ये 25 लीटर सोयल चार्जर का ही उपयोग किया है, बाकी कुछ अभी रेगुलर में बहुत कोई डाला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो आते हैं आप, वो खातर आता है ना, वो भी कम डाला है, बहुत कम डाला है। ओके ओके, तो मतलब जो वाटर सोल्यूबल खातर कम डाला है। हाँ, हाँ। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो सबका जो साइज है वो क्वालिटी वगैरह एकदम सेम है। वो तो सही सेम ही बराबर है, ज्यादातर सेम है, सेम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो चमक ज्यादा है। चमक तो अच्छा। वो जो चमक आपको पत्तों पे दिख रही है, पत्ते भी अच्छे है, वो पत्ते का जो चौड़ाई है और उसके हिसाब से जो चमक दिख रही है, उसके बारे में क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नहीं इस साल ये पत्ते की साइज भी अच्छी है और चमक भी अच्छी है, ये तो फिर भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन क्या है वो स्प्रे की वजह से थोड़ा ऊपर वो दिख रहा है, वरना चमक तो बहुत है बहुत चमक में। मतलब अभी जो मिट्टी ऊपर से बैठी हुई है उसको आप यहाँ पे देखेंगे, देखो अभी इसको अगर ये ऐसा साफ करेंगे तो चमक तो दिखी रही, चमक दिखता है। देखिए भाई, ये इसका ऊपर का जो मिट्टी साफ करेंगे तो ये चमकता है। पत्ते की साइज भी सब वगैरह बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, पत्ते भी बढ़िया हो, साइज होगी। पत्ते की साइज बढ़ने से क्या फायदा होता है, आपको क्या लग रहा है? वो तो आपकी मीटिंग में देखा था कि जब भी पत्ते बड़े होते हैं तभी साइज वगैरह स्ट्रोक भी बड़े रहता है और फल बड़ा होता है उससे। मतलब वो आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया झड़पी हो जाती है और इससे लिए अच्छा क्वालिटी अच्छा मिलता है। तो अभी पूरा जो आपका 2000 पौधे बराबर है ना, तो ये 2000 पौधे में अभी देखिए साइज कितना जबरदस्त है, बराबर है, पत्ता बहुत बड़ा है। तो ये 2000 पौधे में अभी लगभग सेटिंग करीब करीब पूरा हो गया है, बराबर है? हाँ, सेटिंग बढ़िया मिल गया है। ओके, तो आपने ये इसको ये बगीचे में सॉइल चार्जर इस्तेमाल किया है? सॉइल चार्जर किया है, एकड़ से 5 लीटर, एकड़ से 5 लीटर इस्तेमाल किया है। अभी ये टोटल जो मैं आपको जो पूछ रहा हूँ कि ये पीछे भी अब कितना लाइन कितना है पूरा आपका? ये 25 लाइन है टोटल। हाँ। और एक लाइन में 17 पौधे है। अच्छा अच्छा, 70। इसमें आप हमने एक पौधा आपको पीछे देखा था, अभी उसका फोटो निकला हमने। हाँ जी। तो उसने एक जो फूल आने के लिए और फल सेटिंग होने के लिए मतलब हार्मोन्स, हार्मोन्स बोलते हैं ना, ग्रोथ हार्मोन्स, वो दिया था, लेकिन वो कभी भी नहीं देना चाहिए। हाँ। उससे बगीचा के पूरी वो खराब हो जाता है, वो मुर्गी जैसा है, एक बार में मुर्गी काटने के है या अंडा चाहिए, अंडा चाहिए तो वो नहीं देना चाहिए। हाँ। और एक साल में मुर्गी काट के खा जाने की है तो देना चाहिए। तो मतलब जिसके दिमाग में है कि हमको बगीचा रखने का है 10-15 साल उसको करना है बड़ा, तो उसको नहीं देना चाहिए। तो उसको मतलब एक साल में आपको खुश करके अगले साल से पूरा, एक साल में भी उतना खुश नहीं होता, सेटिंग मिलता है लेकिन वो गिर जाता है, क्या उसकी फोटो पत्ते ही छोटे रहते हैं उसमें, सिकुड़ जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत कम हो जाती है और खुराक बनाने की जड़ में जो क्षमता होती है वो सब पूरा हो जाता है, इसलिए एक बार निकल जाता है फ्लावरिंग, लेकिन बाद में वो सब ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, उससे कुछ फायदा है ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अगर पौधे का अगर स्ट्रांग हेल्थ बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हेल्थ बढ़ाएंगे तो उसको अच्छा रहेगा, जैसे कि हेल्थ बढ़ाएंगे तो जैसे कि अंदर फल आता है, सभी बराबर आते हैं। और दूसरी चीज आप आइए आइए आगे, तो हम आगे आगे जाएंगे देखते देखते। तो यहाँ पे जब ये पूरा जो माहौल है, जो पत्तों की साइज वगैरह है, वो सब डेवलपमेंट आपको अच्छा लग रहा है अभी? हाँ, इस साल बहुत अच्छा। तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है ये साल में कि ऐसा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह यूज करना चाहिए? नहीं नहीं, इस साल मैंने स्प्रे भी बहुत कम कर दिए, जो रेगुलर दवा के और फंगीसाइड के जो स्प्रे करते हैं वो भी बहुत कम कर दिए। हाँ। और अभी बेसल डोज भी कुछ नहीं दिए, इसलिए अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इमीडिएटली कुछ देना चाहिए। अभी जो सब ग्रोथ वगैरह है फल का, वो सब
बेटर है, ठीक है, एकदम अच्छा है। अभी ये तो पूरा धूप ही चल रहा है, बराबर है, तो इतने कड़ा टेम्परेचर, अभी ये पसीना आ रहा है आपको भी दिख रहा है, पूरा पसीना यहाँ पे गिर रहा है, मतलब इतना टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर में आपने नीचे जो हम बताते हैं घास वगैरह, वो नहीं निकला, वो भी आपने नहीं निकला है, नहीं। वो भी वैसे के वैसे है। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि ये आप घास को निकाल दो, नहीं नहीं ये नहीं निकालते, तो इससे कीड़ा आएगा, तो ऐसा कुछ लगा क्या आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, और यही रखने का, अभी बड़ा हो गया इसलिए अभी ब्रश कटर से है मेरे पास, वो घुमा के पूरा इधर ही काट देने का। तो इससे मतलब जो नुकसान जो होता था वो डर, वो डर नहीं है? नहीं अभी नहीं है डर। अभी मतलब जो अभी आप सॉइल चार्जर जो यूज कर रहे हैं इससे ये पत्ते का क्वालिटी बढ़ गया है। दूसरा आपका स्प्रे कितना फर्क हो गया होगा स्प्रे में? स्प्रे में तो बहुत फर्क हुआ है, पिछले साल तो मैं 10 दिन में, हर 10 दिन में स्प्रे करता था, इस साल तो 1 महीना हो गया अभी एक स्प्रे नहीं लिया। जब फ्लावरिंग लिया था 1 महीने तब भी 3 स्प्रे किए थे 8-8-10 दिन पे थ्रेसर वगैरह के, अभी कुछ स्प्रे ही नहीं किया 1 महीने से। मैं जितना भी घूम रहा हूँ, आइए वो सही मिल जाएंगे, जितना भी मैं घूम रहा हूँ वो सब किसानों का एक ही डायलॉग है कि वो बोल रहे, कोई बोल रहा है मैं 20 दिन से स्प्रे नहीं किया हूँ, कोई बोल रहा है मैं 25 दिन से स्प्रे नहीं किया हूँ, तो ये क्या कारण क्या हो सकता है इसका? ये क्या, अभी पौधा ही उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसके ऊपर कीड़े इतना अटैक नहीं करते, और स्प्रे करने की जरूरत नहीं रहती है, बराबर है। तो वरना तो क्या पौधा ही कमजोर रहता है तो उस पर अटैक करते हैं कीड़े। अच्छा बराबर, सही है। तो ये मतलब ये आप एक मैसेज, आइए हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो ये आपको जो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे जो दिखाई देता है कि बगीचे का हालात पूरा देखने के बाद यही पता चलता है कि ये आप उसका पोषण के लिए जो सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, नहीं वो सही है और अच्छा है टेक्नोलॉजी। ओके, अभी तो शुरुआत हो गया, अभी पूरा एंड में जब आपका साइज हो जाएगा, माल निकलेगा तभी साइज अच्छा मिल जाएगा, मजा आएगा। तो पिछले साल में आपका वो भी बहुत नुकसान हो गया था, वो थोड़ा फंगल लगा था, बहुत बारिश हुआ था इसलिए फंगल की वजह से आधा माल गिर गया था, गिर गया था। तो ये साल में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये साल में ऑलरेडी आप अभी फंगिसाइड यूज ही नहीं कर रहे। नहीं अभी तो कर ही नहीं रहे। तो जो हथियार आपने यूज ही नहीं किया तो उसका धार जाने का कोई कारण ही नहीं। वो तो सही है, वो तो पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वो तो आप बारिश के मौसम में जब आपको लड़ाई का टाइम आएगा तो टाइम भी वो अभी वो सीधा अच्छी तरह से काम काम करेगा, मतलब ये साल में आपको गिरने का डर रखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू।